हैदराबाद के हाईटेक सिटी में तेलंगाना जागृति के आश्रय में अंतर्राष्ट्रीय युवा नेतृत्व सम्मेलन जारी है। आज इस सम्मेलन में होने वाली महत्वपूर्ण बातों पर देखिए HYD TV की यह खास रिपोर्ट। तेलंगाना जागृति के आश्रय में इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शनिवार को गांधीवादी अन्ना हजारे और कलवा कुंटला कविता ने ज्योति प्रज्वलित कर किया। इस सम्मेलन में 135 देशों से 550 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में गांधी मार्ग में स्थिर विकास और खोज विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले पद्म भूषण अन्ना हजारे ने भी सम्मेलन में स्पीच दी। इससे पहले इस सम्मेलन में सार्क के पूर्व महासचिव अर्जुन बहादुर तापा ने विशेष अतिथि के रूप में शुक्रवार रात नोवेटेल होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्रीलंका के उद्योग व वाणिज्यिक उपमंत्री बुद्धिका पथिराना, मासिडोनिया गणतंत्र के पूर्व निवेश मंत्री गिलगर तस्कोविच, ओकिनावा अफगानिस्तान में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के संस्थापक जॉन डिक्सन सहित शेरलिंगमपल्ली के विधायक ए गांधी उपस्थित रहे। 20 तारीख की शाम कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में राज्यपाल ESL नरसिम्हन मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। गांधीवाद के मार्ग में स्थिर विकास और खोज के मुद्दे पर सम्मेलन होगा। आपको फिर एक बार बता दें कि इस सम्मेलन में 110 देशों से आए 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में एक अवसर पर अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब सांसद के कविता अन्ना हजारे के साथ मंच पर जा रही थी, तभी वो अचानक गिर गई, जिसके बाद पास खड़े लोगों और सिक्योरिटी अफसरों ने उन्हें संभाला। इस हादसे के बावजूद सांसद कविता ने पूरे जोश से इस सम्मेलन में स्पीच दी। सांसद कविता ने कहा कि विश्व में जो भी समस्याएं बनी हुई हैं, वे सभी हमारे द्वारा ही निर्माण की गई समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि विश्व में प्रतिदिन 22,000 बच्चों की मृत्यु हो रही है। स्थिर विकास के लिए नई उमंग और जोश के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कारण जन्मी समस्याओं का समाधान इस सम्मेलन में मिलने की हमें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मिलकर संघर्ष करने से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। This is a youth leadership conference. And why do we have this conference? Because the people who created these problems were not able to show the solution. We, the current policy makers, are not being able to show the solutions. So I believe the youngsters who have traveled half of the globe came to this conference have a fresh look at the life. They have a fresh understanding of the problems. You have a better view of the problems. So I believe the youngsters who are present here today can come up with newer solutions, and that can truly change the world. इस सम्मेलन में बात करते हुए पद्म भूषण अन्ना हजारे ने के कविता की कोशिशों की सराहना करते हुए युवाओं से अपील की कि वो एक एक गांव को तरक्की देने का जिम्मा ले लें, और अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका और क्या रूस भारत ही दुनिया का सुपर पावर देश बन जाएगा। मेरी विनती है, ये हमारी कविता बहन ने तेलंगाना जागृति संस्था स्थापन किया और तेलंगाना जागृति में से मार्फत ये युवा लीडरशिप का जो वर्कशॉप बुलाया है, मेरी विनती है युवकों के लिए एक एक गांव ले लो, बस एक गांव, और वो इस मुताबिक अगर गांव खड़ा हो गया, अरे क्या अमेरिका और क्या रशिया, ये देश बहुत आगे जाएगा। तेलंगाना जागृति के आश्रय में इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ने जहां कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले यूथ के दिलों में जोश भर दिया है, वहीं सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले मुख्यमंत्री KCR की कोशिशों को भी आगे बढ़ाने का हौसला मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, HYD TV।